नेपानगर का मतदाता इस बार निराश है। उपचुनाव को लेकर भी यहाँ के लोगों में कोई खास उत्साह नजर नहीं आ रहा है। बेरोजगारी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। डिजियाना न्यूज की टीम ने जब नेपानगर में ग्राउंड जीरो के हालात को देखा तो ये बात निकल कर सामने आई। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं। डिजियाना न्यूज की टीम नेपानगर विधानसभा को कवर कर रही है लगातार। यहाँ के तमाम क्षेत्रों को हमने नोटिस किया है। ये आम्बेडकर चौराहा है, कहते हैं ये सबसे बड़ा चौराहा कहलाता है नेपानगर का। और नेपानगर के मतदाताओं में इस उपचुनाव को लेकर क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए हम जाते हैं, सीधे रुख करेंगे नेपानगर विधानसभा की ओर। यहाँ पे बहुत सी समस्या है। बेरोजगारी है सबसे पहले तो, क्योंकि नेपानगर से लोग पलायन करके जा रहे बाहर का। बहुत बेरोजगार है यहाँ के बच्चे, कहीं बॉम्बे जा रहे तो कहीं इधर उधर बेचारे भटक रहे हैं, काम धंधे नहीं है। यहाँ की बहुत व्यवस्था ख़राब है, स्वास्थ्य की सुविधा भी नहीं है। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है ही नहीं, बड़ा हॉस्पिटल या प्राइवेट छोटे मोटे हॉस्पिटल, वहाँ मन समझाने के लिए कार्य होता है सिर्फ, और कुछ नहीं। बस वही, और क्या, उसके अलावा कुछ नहीं है। नेपानगर में बेरोजगारी की समस्या है, प्लस यहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें व्यवस्था नहीं है, बड़े स्तर पर नहीं है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बड़े स्तर पर नहीं है। जैसे बड़ा केस होता है तो हमें यहाँ से बुरहानपुर या इंदौर या खंडवा जाना पड़ता है, उसकी सुविधा नहीं है। नेता आते हैं, वादे करते हैं, क्या सोचते हैं? हम तो यही सोचते हैं कि भैया वो बकने वाले हैं, हम सुनते रहते हैं, वो बक के चले जाते हैं। बाकी यहाँ का नेपानगर का विकास कई सालों से नहीं हुआ है और ना होगा, हमको ऐसा लगता है। बस आ जाते हैं, बड़ी बड़ी आम सभाएं होती है, ये है वो है, बड़े बड़े वादे तो हो जाते हैं, लेकिन वो वादों को जो ग्राउंड पे लेवल पे उसको नहीं किया जाता पूरा। रास्तों की हालत देख लीजिए, है कि नहीं, ये ब्रिज देख लीजिए, कितने सालों से बंदिश पड़ा था, कोई मतलब है? कोई चीज़ ऐसी होना चाहिए नेपानगर में कि जो रोज़गार भी हो, आम जनता को थोड़ा उसकी सुविधा भी मिले, हॉस्पिटल की सुविधा मिले, कि अगर हम प्राइवेट में भी अगर बाहर जाते हैं तब भी हमको पेमेंट लगना ही लगना, उतना पैसा हमारा बचे, टाइम बचे। तो यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा होना चाहिए, मंडी होना चाहिए, है कि नहीं, कृषि उपज मंडी होना चाहिए। ये कुछ मुद्दे हैं जो कि यहाँ पर होना चाहिए और वो कुछ होते नहीं हैं। और राजनीति में क्या है, सब आ जाते हैं अपना, अब वो कौन पार्टी से कौन कहाँ किधर पलायन कर रहा है कुछ नहीं पता चलता है, केवल झूठे वादे करके जनता को तसल्ली दी जाती है और जनता को गुमराह किया जाता है, बस और कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात बेरोजगारी की, पूरा नेपानगर बेरोजगारी में खाली पड़ा है हमारा। कोई जवान युवा लोग सब बाहर गांव के बड़े बड़े इसमें इंडस्ट्री एरिया में जाके काम करते हैं, रोजगार का ठिकाना नहीं है। इतनी बड़ी नेपाल मिल ये बन रही है, यहाँ पर भी हमारे को रोज़गार मिलेगा नहीं, हमारे बच्चों को, ये भी हम बता नहीं सकते। बस नेता अपने वादे करते जाते और भूलते जाते हैं, ये समस्या है। समस्या तो बहुत है, लेकिन इनको बताए कौन? वो मोदी जी बैठे ना, जो ये बेचारे बुढ़ों की पेंशन है ईपीएफ की, आज तक वो 14 से लेके अभी तक वो मोदी जी बैठे वहाँ, उन्होंने वो पेंशन का फाइनल नहीं करा, तो इनको वोट दे के क्या फायदा? और पूरा ऑल इंडिया का चल रहा है ये केस, क्यों नहीं फाइनल कर रहे, क्यों सुप्रीम कोर्ट पे रोक के रखा है? तुम हर चीज को दबा के रखते हो, जजों को दबा के रखते हो कि मत फैसला दो। सुप्रीम कोर्ट का 2 फैसले में आता है, आज 14 से लेके ये क्या है 20, 6 साल में क्या करा उसने? मोदी क्या करती है जनता, पागल है मोदी? मतलब पेंशन की समस्या हल नहीं हो पाई है 14 से अभी तक, नहीं हल हो पाई। हम लोग क्या मरने के बाद ऊपर भेजेगा पेंशन को? हम स्थानीय रहवासी है, हमको धंधा बिजनेस रोटी रोजी कुछ नहीं है। नेपा मिल को ताला लग गया, क्या खाएंगे? सब भयान है, किसी को कुछ नहीं मिलता, जो जीत के जाता है वही उसका भला करता है। नेपानगर में कुछ नहीं है, नेपानगर जैसा भंगार नगर अब कोई नहीं रहा। तुम सब धंधे वाले की व्यवस्था करो, जगह दो, प्लाट दो, गरीबों को कार्ड बनाओ, व्यवस्था करो। तुम्हारे हम हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, कुछ करो इनके लिए। सब बेरोजगार बैठे बेचारे, इधर क्या करेंगे लोग? सब बच्चे बाहर गाँव चले गए, बुढ़े को मरेगा तो फेंकेगा कौन? यहाँ से कौन फेंकेगा हम लोगों को? हमारे बच्चे सब चले गए बाहर रोजगार के लिए। काम नहीं है, हमारे बच्चे इधर उधर काम पे जा रहे, कुछ खाने को नहीं है, कुछ करने को नहीं है, अस्पताल में कुछ है नहीं। बच्चे बीमार पड़ते तो कहाँ ले जाए? रात को मेरा बच्चा बीमार पड़ा तो रात को अस्पताल में वहाँ दौड़ा, प्राइवेट में अस्पताल में पैसे ले लेते। गरीब इंसान जो नहीं पैसे है तो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लगाएंगे? पर ये वादे करते हैं नेता, वो नेता लोग कुछ नहीं करते। संजय नगर में जाके देखो तुम, गड्ढे है, निकलने को जगह नहीं है, ऐसा रोड है।
ये समस्या है हमारी, पानी की समस्या, खाने की समस्या, रहने की समस्या, मकान ढंग का ही नहीं, एक मकान में चार बच्चा कैसे रहेगा। एक समय था जब नेपानगर की पहचान नेपानगर मिल से हुआ करती थी, लेकिन आज स्थिति बड़ी विकट है। यहाँ के स्थानीय रहवासियों से, यहाँ के मतदाताओं से जब डीजीएनएन न्यूज़ ने उनका मन टटोला तो बात एक ही निकलकर सामने आई, नेपानगर के युवा रोजगार चाहते हैं, यहाँ से प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है। इतना ही नहीं, जो पेंशनर्स यहाँ पर हैं उन्हें भी पेंशन्स नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य की सुविधाओं की भी दरकार है। आलम यह है कि यदि किसी महिला को, गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए लेके जाया जाता है तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है या कोई अप्रिय स्थिति निर्मित हो जाती है। यहाँ की जनता का यह भी कहना है कि नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वादा आज तक किसी ने पूरा नहीं किया है। तो कुल मिलाकर ये जो उपचुनाव है नेपानगर विधानसभा का, यहाँ हमने लगातार जब लोगों से बात की या इस विधानसभा का दौरा किया तो एक अंडर करंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है, यहाँ की जनता हमें यह भी बताती है, ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे पर नहीं आती है, कि यदि इस बार किए गए वादे पूरे नहीं किए गए, हमारे साथ यदि छलावा हुआ तो फिर आने वाले समय में यहाँ की जनता शायद वोट भी ना करे। तो नेपानगर में, नेपानगर विधानसभा क्षेत्र से कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ आशीष जोशी, डीजीएनएन न्यूज़।